नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। पीपली में किसानों पर हुए लाठी चार्ज के मामले में प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां जहां सरकार पर हमलावर हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेता व मंत्रियों के बयान में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता घटना की निंदा कर रहे हैं तो कुछ बचाव में हैं। मामले को निपटाने के लिए 3 सांसदों की गठित कमेटी ने भी किसानों को शांत कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। रविवार को पंचकुला में कमेटी ने किसानों से भी बातचीत की है। यह फैसला लिया गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री से मिला जाएगा ताकि किसानों की जो भी बात है वह स्पष्ट हो जाए। जबकि दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि वहां पर उन लोगों के विरुद्ध जांच होनी चाहिए जिन्होंने पहले रोका और फिर उन्हीं ने अनुमति देने का काम किया। जबकि दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि जब लाठीचार्ज नहीं हुआ है तो किसकी जांच कराई जाए। उनका तर्क है कि यदि कहीं लाठीचार्ज होता तो कहीं न कहीं कोई वीडियो जरूर सामने आता, MLR भी कटती, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर विपक्ष 3 सांसदों की गठित कमेटी पर सवाल उठा रहा है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।